स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो में दिए ऐतिहासिक भाषण को अब 125 साल हो रहे हैं और इसलिए डॉक्टर राजेश सर्वज्ञ और उनकी टीम ने विवेकानंद यूथ कनेक्ट के माध्यम से अनेक कार्यक्रमों का वर्ष भर में आयोजन करने का सोचा है। यह अच्छी सोच है। 10 तारीख को मैराथन दौड़ लगाई है दिल्ली में, 1000 युवा उसमें शामिल हो रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। लोग दौड़ेंगे, प्रण करेंगे, विवेकानंद जी के विचार को आगे ले जाएंगे, क्योंकि विवेकानंद जी के विचार सर्वकालिक विचार है। युवा के ताकत का एहसास उन्होंने दिखाया और वही छात्र शक्ति, युवा शक्ति है जो देश की तस्वीर बदलने के लिए आगे आनी चाहिए, क्योंकि समाज में बुराइयां है, देश में बहुत सारी बुराइयां आजादी के बाद आ गई, उनको दूर करना है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, आतंकवाद से मुक्ति, जातिवाद से मुक्ति, संप्रदायवाद से मुक्ति, गरीबी से मुक्ति, गंदगी से मुक्ति, भ्रष्टाचार से मुक्ति, मुझे लगता है कि ये विवेकानंद जी ने जो विचार लगातार दिए, देश की चेतना को जागृत करने के विचार दिए, और उसी का ये आविष्करण है। आए सब मिलकर हम संकल्प ले कि इन बुराइयों को हम खत्म करेंगे 2022 तक। मुझे लगता है विवेकानंद जी के विचार को आगे ले जाने का यही सही तरीका है। इस पर हम चले, इसके लिए दौड़े, लोगों में जागृति पैदा करें, युवाओं को जोड़े, युवाओं को आकर्षण के अनेक उपक्रम हो सकते हैं वो करके युवाओं को जोड़कर इसको सफल बनाए। हमारी बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।